साइंस, वो पता नहीं आपने देखी इंडियन मूवीज में तो ऐसे बकवास होती है, अच्छी चीजें नहीं होती। नहीं तो एक मूवी थी एयर फोर्स वन, राइट, उसमें प्रेसिडेंट के प्लेन पे मूवी है पूरी, राइट। तो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती है जो क्या करती है, किसी प्लेन के पीछे पड़ जाएंगी, क्यों? क्योंकि वो रीड करती है उसके इंफ्रारेड सिग्नेचर को, तो वो इंजन के पीछे 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 आप जो भी मैनिपुलेट करेंगे वो भी घूमती रहेगी, हमेशा घूमती रहेगी, लॉक हो जाएगी, राइट। उसे बचने का तरीका भी होता है, वो खूब सारे और गरम गरम चीजें फेंक देता है बाहर, तो मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है किसके पीछे जाए, राइट, तो किसी और चीज के पीछे जाके बच जाता है, राइट। ये सब रेडिएशन की थ्योरी है, राइट। लेकिन सबसे अच्छी रेडिएशन का यूज करता है मच्छर, उस पर रिसर्च करते लोग कि रेडिएशन इतना अच्छा, रीडिंग कैसे होती है रेडिएशन की, सीख के उसको इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। मच्छर रेडिएशन का सबसे अच्छा यूज करता है, ठीक है। नहीं देखा आपने, कैमरे में भी होते हैं नाइट मोड, नॉर्मल कैमरों में भी आने लग गया आजकल तो, जहां पे आप नाइट मोड में फोटो खींच सकते हैं, तो ऐसा हरा हरा सा दिखता है, कुछ चमकला सा दिखता है, राइट, वाइट ब्लैक सा नहीं दिखता, ग्रेस सा, वो यही होता है नाइट मोड, इंफ्रारेड रीड करता है, क्योंकि हम सबसे रेडिएशन कंटिन्यूस निकल रहा है लेकिन विजिबल रेंज में नहीं निकल रहा, ठीक। तो बड़ा अजीब सा है लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी होता है, तो टाइम इसलिए मैं आराम से, चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, बैठे रहिए।